We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I'll wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. Baby, that a whole time, and it feels right. You by my side, I'm out of body can't climb. I need my partner in crime, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know what to do. Miles still ahead of me, and I don't have a clue right now. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, और कुकर में डाल दोगे पक जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थिंक डिफरेंट, थिंक बेटर। आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अभी जो आपने हिंदी कविता सुनी, वैसे आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि आज मैं कुछ बच्चों से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। यस, आज हम मतलब कि एजुकेशन पे बात करेंगे। और एजुकेशन सबसे पहले मतलब कि कौन लेता है और किसको दी जाती है? बच्चों को। तो इसीलिए आप दोनों चीज़ें हैं, कह सकते हैं चाहे हम एजुकेशन पे बात करेंगे या आप ये कह सकते हैं कि हम बच्चों पे बात करने वाले हैं। ओके, आप बताओ, जैसे ही बच्चों का स्कूल टाइम शुरू होता है तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? मतलब कि अगर आपको क्या सिखाया गया है, आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको याद हों, आप वही चीज़ें आगे ट्रांसफ़र करते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मैं देख रही हूँ आजकल, वो कॉन्शियस हैं कि बस जीतना है। मतलब कि बस बच्चे को स्टार्टिंग में यही सिखा रहे हैं कि हमें तो बस मतलब विनर बनना है, हमें तो बस जीतना है। और मतलब कि फर्स्ट सेकंड तो ये चीज़ें तो होती ही हैं, है ना। सेकंड का तो कोई नाम ही नहीं लेता है, कोई पेरेंट्स सेकंड डिवीज़न का तो कोई नाम ही नहीं लेता है। सबको बस फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, यही चीज़ें आप सुनते भी होगे और यही चीज़ें शायद आप फॉलो भी करते हो, ठीक है। तो आज हम इसी पे जो बात कर रहे हैं वो हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि हमें स्टार्टिंग से ही मतलब कहते हैं ना कि जैसे वो न्यू अगर हम अच्छी रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो ही हमारी जो मतलब घर है या जो बिल्डिंग है वो काफ़ी टाइम तक सही रहेगी, है ना। तो इसीलिए हमें आज इसी चीज़ पे काम करना है कि हमें मतलब बच्चों को हम क्या, उसका माइंडसेट क्या बनता है कि हमें बस जीतना है बचपन से ही। मतलब बचपन से ही हम उसे यही सीख, क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है सबसे पहले तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, डांस कंपटीशन है या कुछ गेम्स वगैरह करवाते हैं। अब क्या हुआ, बच्चे के मुँह में चम्मच दे दिया और उसमें नींबू रख दिया और अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, कम ऑन, मतलब कि जीतना है, भागो और भागो और तेज़ भागो। ये बच्चे सीख रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में बस सबसे पहला यही पॉइंट आ रहा है कि हमें तो जीतना है, हमें तो बस भागना है। मतलब उनको लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो क्या मिल रही है, वो क्या सीख रहे हैं, मतलब जो पहली स्टार्टिंग जो उनकी हो रही है, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ जीतना सिखा रहे हैं, वो भी किसी भी कीमत पर एक तरह से, कि बस तुम मतलब कम ऑन, तुम जीत सकते हो, भागो और ये सब चीज़ें।
क्या होता है कि बच्चा, मतलब जब आप ऐसे पीछे से उसे पुश कर रहे हो, है ना, कि तुम कर सकते हो, तुम भागो, जो भी है भागो भागो, यही चीज़ आप बोल रहे हो पीछे से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब उसके साथ के जो बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, उसी रेस में और भी बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक बच्चा, मतलब कि दौड़ने, तेज़ दौड़ने के चक्कर में गिर जाता है, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान पे, इस पॉइंट पे आपको बहुत ध्यान देना है, मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है। क्या हुआ कि इतने बच्चे दौड़ रहे हैं, उसमें से एक बच्चा गिर गया, या हो सकता है एक दो बच्चे और गिर गए मान लीजिए। तो क्या हुआ कि हम क्या पीछे से बोल रहे हैं, मतलब हम एक बार भी, मतलब ये नहीं सोच रहे कि जो बच्चे गिर गए हैं उनको कौन उठाएगा, क्योंकि अभी तो क्या सारी ऑडियंस तो बाहर है, अब सिर्फ बच्चे ही हैं फील्ड में। अब बच्चों को क्या करना है, अगर कोई बच्चा गिर गया है तो मतलब वहाँ पे बच्चे ही तो है, एक बच्चे ही तो दूसरे बच्चे को हेल्प करेगा, मतलब हेल्प करेगा, उठाएगा। तो अब हम क्या सिखा रहे हैं, नहीं तुम्हें तो दौड़ना है, तुमको तो जीतना है, कम ऑन कम ऑन, वहाँ से हम कम ऑन कर रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, हमें उस पॉइंट पे बच्चों को ये सिखाना है कि कोई भी ज़रूरी पहले जीत नहीं है। पहले अगर जो आपका फ्रेंड गिर गया है, या आपका साथ में दौड़ने वाला एक तरह से आपका भाई है या बहन है जो गिर गया है, आपको उसे उठाना है, मतलब आपको उस कंपटीशन पे नहीं करना है। अगर पहले आपको हेल्प करनी है, एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करेगा, हमको ये सिखाना है उन्हें। और उसको जब वो खड़ा कर देगा, कंपटीशन के लिए रेडी कर देगा, उसके मुंह में वापस चम्मच लगा देगा, थोड़ा सा फ़नी हो सकता है आपको लगे, पर ये बिल्कुल भी फ़नी वाली बात नहीं है। और मतलब आप ये देखो कि उसे रेडी करेगा, मतलब उस तरह से उसकी हेल्प करेगा, चम्मच मुंह में लगाएगा, फिर उसका नींबू है या जो मार्बल है जो भी गिर गया है वो रखेगा, वापस उसे कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करेगा कि नहीं तुम भी अभी कर सकते हो, अभी देर नहीं हुई है और हम साथ में करेंगे। आप देखो कि क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। शायद मैं वो शब्दों का इस्तेमाल उतना अच्छे से नहीं कर पाऊँ, लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर समझना। और अगर हम शुरू से बच्चों को ये सिखाएंगे कि हमारे लिए पहले किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, हम अगर अभी से बच्चों में ये चीज़ डेवलप करेंगे कि आपको पहले हेल्प करनी है, बाद में आपको कॉम्पिटिशन मतलब बीट करना है, तो अगर हम ये चीज़ सिखाएंगे ना, वाकई में आप सोचो कि हमारा फिर फ्यूचर क्या होगा, आगे आने वाले जो हमारा, मतलब जिसको भविष्य कहते हैं आप, इंडिया का, भारत का जो भविष्य आप कह सकते हो कि किस तरह का होगा, आप इमेजिन भी कर सकते हो इस चीज़ को। मतलब आज हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई कॉम्पिटिशन हो, मतलब जब भी हमारे बच्चे किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो हम सभी को मतलब उनमें ये चीज़, एक मतलब जो बीइंग ह्यूमन वाली जो चीज़ है वो हमें डेवलप करनी है कि आपको, ठीक है कंपटीशन है, आपको बिल्कुल जीतना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं जीतने पे फोकस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे कि अगर उस समय किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो पहले हमें सबसे पहला जो गुण हमें पैदा करना है अपने बच्चों में, जो क्वालिटी पैदा करनी है, वो ये इंसानियत की, यानी सबसे पहले हमें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है, वेल एजुकेटेड बनाना है। बिल्कुल सही है, वेल एजुकेटेड मतलब बहुत ज़रूरी है होना, लेकिन हमें सबसे पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। तो अब आप इसका जवाब हमें दीजिए कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। अब अगर हम आपसे पूछें कि हमें हमारा जो भारत का भविष्य है उसको हमें बहुत ही अच्छा बनाना है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी। वही जो मैंने आपको बताया, जो बच्चों की एजुकेशन शुरू होती है, जो उनका स्कूल टाइम होता है, जो उनकी स्टार्टिंग होती है, हम वहीं से ही बच्चों को, मतलब वही जो नींव रखने की मैंने बात कही थी पहले, यहीं से हमें उन्हें सिखाना होगा। मतलब कि छोटे छोटे बच्चे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो ड्राइंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या होता है कि सब बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, अब सबको मतलब ये मेरी ड्राइंग तो सबसे अच्छी होनी चाहिए,
आप और यही पेरेंट्स भी बोलते हैं आज तो आपको बहुत अच्छा करके आना है, आप तो बहुत अच्छा बना लेते हो, ठीक है, चाहे वो बैलून बनाए, चाहे वो एप्पल बनाए, या वो कोई सीनरी बनाए, कुछ भी, मून बनाए, सन बनाए, तो क्या होगा कि हमें उन्हें यहीं पर चीज़ ये है कि बिल्कुल मतलब वो मेहनत करेंगे और वो बनाएंगे, आप उन्हें सिखाएंगे बिल्कुल ये चीज़ें, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन चीज़ों में हमारा फोकस कम हो जाए, बिल्कुल ये चीज़ें करनी है, लेकिन साथ में अगर आप सोचो कि वहीं पे कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है या थोड़े बड़े बच्चे हैं ड्राइंग कर रहे हैं, अब पानी गिर गया, अब आप ये देखो कि किसी की ड्राइंग पे पानी गिर गया तो हमें इससे क्या, वाटर कलर यूज़ होते हैं मतलब कि गिर जाता है, ऐसा मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, तो गिर जाता है पानी, हमने पूरा ड्राइंग बना ली और लास्ट में पानी गिर गया। एक्चुअली आप सोचो बच्चे क्या होते हैं, अपने कॉम्पिटिशन में लगे, मतलब उन्हें बस अपनी ड्राइंग से मतलब है, किसी का कुछ हो गया उन्हें कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो बस नहीं उस पॉइंट पे, मतलब मैं वही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमें इस चीज़ को बदलना होगा, और हम कहाँ से बदल सकते हैं, यहीं से बदल सकते हैं जब हम बच्चों को किसी कॉम्पिटिशन के लिए रेडी करते हैं, लेकिन हमें साथ में उन्हें अच्छा इंसान अगर बनाना है तो हमें साथ में इस थॉट को उनके माइंड में डेवलप करना होगा कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद हमें कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है या जो भी चीज़ें हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और हमें कहनी है कि जब बच्चा हमारा स्कूल से आता है, ठीक है, तो हम सभी पूछते हैं कि आज कैसा रहा दिन, हाउ वॉज द डे टू डे, तो अब आप ये बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है आज ये पढ़ाई हुई और ये टेस्ट था, इसमें इतने मार्क्स मिले हैं मुझे, और हम लोग भी पूछते हैं, हमें पता होता है भी आज बच्चे का ये इंग्लिश का टेस्ट है या हिंदी का है, जो भी है, तो वो चीज़ हम उनसे पूछते हैं कितने मार्क्स मिले, कैसा करके आए हो, क्या है, ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, ये हमें ज़रूर पूछना चाहिए, लेकिन हमें और भी चीज़ें पूछनी चाहिए बच्चों से जो हम नहीं पूछते हैं। आज तुमने किसकी हेल्प करी, आज तुमने किसकी मदद करी, आज तुम्हारी वजह से किसी को स्माइल आई क्या, आज मतलब कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों से साथ में ये भी पूछना चाहिए, क्या तुम्हारी वजह से किसी बच्चे को या टीचर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तुमने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया, किसी को परेशान करने वाला काम तो नहीं किया, तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी तो नहीं हुई, क्या आज क्लास में जो बच्चा टिफ़िन नहीं ला पाया था क्या आपने अपना टिफ़िन उसके साथ शेयर किया, क्या आपने मतलब क्लास में ये पता किया कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो आपके क्लास में खाना नहीं लाया है या पानी नहीं लाया है, तो क्या आपने उसकी मदद की, क्या आपने टीचर को बोला मैम मे आई हेल्प यू या सर मे आई हेल्प यू, और आपने अपने दोस्तों से कुछ नया सीखा या उन्हें कुछ नया सिखाया, और सबसे ज़रूरी बात आपकी या आपके दोस्तों की आपस में किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, और आपने उन्हें क्या सिखाया, लड़ाई ख़त्म करने की बात सिखाई या लड़ाई को और बढ़ाना सिखाया। हमें हमारे बच्चों में ये स्किल्स मतलब डेवलप करनी ही होगी, और यही सारी चीज़ें आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है ये इन्हीं सब बातों पे निर्भर करेगा कि वो आगे जाके मतलब कैसे इंसान बनते हैं। पूरे इंडिया में ये मैसेज जाए कि हमें बच्चों को मतलब आज तक जो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है कि हमें जब बच्चा स्कूल से आए तो हमें क्या पूछना चाहिए, और जब बच्चा किसी कंपटीशन में मतलब पार्ट ले रहा है तो हमें क्या उसके मन में पहले थॉट्स क्या होने चाहिए, तो मैं मतलब इस वीडियो के माध्यम से चाहूँगी कि हमारे जो मतलब जो हम लोग जो चीज़ें नहीं अभी तक कर पाए हैं हम उसे ज़रूर करें, और मुझे मेरे ख्याल से अब एक पोयम बनती है। ओके, तो अभी हो जाते हैं थोड़ा सा रिलैक्स और आराम से सुनते हैं ये पोयम। Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa, telling a lie, no, Papa, open your mouth, ha, 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 once again, ha, 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 ये तो हंसने वाला योगा भी हो जाएगा साथ में। Yes, what an idea! तो फिर ठीक है, आज से इस पोयम के साथ
जो हा 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 है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि जब तक बच्चे को रियल वाला जो लाफ है ना, वो हंसी जब तक उसे वो असली हंसी नहीं आ जाती, और वो उसमें मतलब इतनी तेज रियल में वो हंसने में जब तक वो उसकी हंसी रियल हंसी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम हा 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 करते ही रहेंगे, और आप देखना कि आपका बच्चा सच में कितना खिलखिला के हंसता है। और इस पोयम के साथ आप सोचो कि वो जो हंसने से जो हेल्थ बनती है ना, कितना अच्छे से बन जाएगी। आप दिन में 5-6 बार भी अगर आप उसको ये पोयम सिखाओगे, और साथ में वो जो हाहा वाली चीज़ जो मैंने अभी जिस तरह से अभी बताई है, अगर आप उस तरह से करते हो ना, वो रियल में अगर ना हंस दे तो फिर आप देखना, बस आप उसके साथ हाहा करते रहना और हंस मतलब आपको भी रियल हंसी आ जाएगी, और फिर देखिए आप दोनों मिलके कितना हंसते हो, मतलब मिरेकल देखना इसका। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप इट अप। Right on your heart. One more, I got me this far.